अष्ट विनायक यात्रा में चौथा दर्शन वरद विनायक का है। वरद विनायक अपने नाम के समान ही सभी कामनाओं को पूरा करने वाले माने गए हैं। इस मंदिर में मंददीप नाम से एक दीपक निरंतर प्रज्वलित रहता है। कहा जाता है कि यह दीपक 1892 से लगातार जल रहा है। चौथा दर्शन श्री वरद विनायक, स्थान महाट गांव, जिला रायगढ़। वरद विनायक गणेश के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनवांछित इच्छा पूरी करने वाले इस मंदिर में एक दीपक निरंतर प्रज्वलित है और अखंडित रूप से जल रहा है। प्राचीन समय में इस स्थान को भद्रक नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ ही मान्यता है कि पुष्पक वन में ग्रस्त मद ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणपति ने उन्हें गणाना त्वाम मंत्र के रचयिता की पदवी यहीं पर दी थी और ईश देवता बना दिया। उन्हीं वरद विनायक गणपति का ये स्थान है। ऐसी श्रद्धा है कि यहाँ पर वरद विनायक गणेश का नाम लेने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक वरद विनायक का साल भर नियम पूर्वक व्रत करने से संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। पंडित अशोक शर्मा जी, यहाँ पर कहा जाता है कि महज वरद विनायक का नाम अगर यहाँ पढ़ ले तो संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। काफी सिद्ध तीर्थ माना गया है इसे। ये स्वयंभू तीर्थ तो सभी हैं और सिद्ध तो हैं ही। इसमें विशेषता ये है कि ये तीर्थ जो है यहाँ पर ऋण मुक्ति हो जाती है। अगर यहाँ पर 12 महीने दर्शन किए जाएं, 12 दर्शन किए जाएं साल में, जो हर महीने के चौथ को होता है, तो इससे कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। वरदान प्राप्त होने का मतलब यही है कि आपकी जो मुश्किलें हैं उसमें से आपको बाहर निकल जाने का अवसर भगवान गणेश यहाँ पर देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बड़ी मुश्किल में है, फाइनेंशियल लॉसेस को देख रहा है, परेशान है उससे, तो उसकी प्रार्थना, उसको इस मंदिर में जाके प्रार्थना कम से कम महीने में एक बार करनी चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारिक जगह है जहां से वरदान की प्राप्ति होती है। और वरदान मतलब आपको मुश्किलों से बाहर निकालना। आजकल तो मुश्किलें फाइनेंस की ही ज्यादा होती हैं, इसलिए ज्यादातर ऋण मोचक ये कहा गए हैं। बिल्कुल, अगर ऋण आपके ऊपर भी है तो आप जाके वरद विनायक के दर्शन कर सकते हैं। और जिस तरह से पंडित जी बता रहे हैं, यहाँ पर वरद विनायक आपके ऋणों को हरेंगे, आपके तमाम कष्टों को हरेंगे। अष्ट विनायक की उस यात्रा में अब हम आपको ले चलते हैं चिंतामणि गणपति के दर्शन कराने। मान्यता है कि चिंतामणि भक्तों की सारी चिंताओं को हर लेते हैं। पांचवा दर्शन श्री चिंतामणि गणेश, स्थान थेऊर गांव, पुणे हवेली तालुका। ये भगवान श्री गणेश का चिंतामणि रूप है। माना जाता है कि चिंतामणि के रूप में विराजे भगवान गणेश भक्तों की सभी चिंताओं का नाश कर मन को शांति प्रदान करते हैं। ये गांव मुलमुथा नदी के किनारे स्थित है, जहां का वातावरण भी हृदय को आनंद से भर देता है। इस पवित्र भूमि पर आते ही मन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चिंतामणि गणेश का मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले के हवेली तालुका में थेऊर नामक गांव में मौजूद है। पंडित जी, यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल आज के ज़माने में यही है कि तमाम लोगों को चिंताएं होती हैं, तरह तरह की चिंताएं होती हैं। कहीं ऋण की बात हो जाती है, कहीं घर परिवार की समस्याएं होती हैं, कहीं नौकरी की समस्या हो जाती है, और ऐसे गणपति के दर्शन जहाँ पर चिंताएं दूर हो जाएं, कहीं ना कहीं ये बहुत पावन जगह है। कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। ये चिंता एक्चुअली चिता की तरह ही है, जो व्यक्ति को अंदर से जला डालती है और मार डालती है। आप ये समझिए कि चिंतामणि भगवान ये हमारी चिंताओं को हर लेते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। सच बताएं तो मनुष्य जीवन में आज के जीवन में आपाधापी इतनी ज़्यादा है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, अनायास की फिक्र इतनी ज़्यादा है कि चिंता मुक्ति के लिए तो प्रार्थना करनी ही चाहिए। और गणपति का ये अवतार सचमुच चिंता की मुक्ति करता है। और अगर इनका कम से कम साल में एक बार भी दर्शन करें तो व्यक्ति उत्साहित रहता है, चिंता मुक्त होता है, उसको सारी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। जी, स्थान की बात करते हैं, पावन स्थान भी होते हैं जहां पर मूर्ति होती है। क्या मूर्ति दर्शन के अलावा अगर आप अगल बगल यहां पर रहते भी हैं तो भी आपकी चिंताएं दूर होती हैं? मात्र रहने से चिंताएं दूर नहीं होती हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए।
थोड़ा सा भाव अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और मंदिर तक जाके भगवान के सामने प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रयत्न और प्रार्थना, ये दोनों का समन्वय ही चिंता से मुक्ति दिला सकता है। मात्र हम महाराष्ट्र में रहते हैं इसलिए हमें आठों गणपति का सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें दर्शन के लिए भगवान के सामने जाना पड़ेगा और अपने मुखों से या अपने हृदय से अपनी भावनाओं द्वारा उनकी स्तुति करके अपनी प्रार्थना को रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमें लाभ मिलता है, अन्यथा मात्र रहने से लाभ नहीं मिलता भाई। जी बिल्कुल, चिंतामणि भगवान के दर्शन करने के बाद, चिंतामणि मंदिर के दर्शन करने के बाद आपकी तमाम जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। माँ पार्वती के पुत्र यानी गिरिजात्मक गिरिजा माता पार्वती का ही नाम है और उनके ही नाम से भगवान गणेश के इस रूप को जाना जाता है। मान्यता है कि पार्वती को तपस्या के बाद भगवान गणेश को पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई थी। छठवां दर्शन गिरिजात्मज, स्थान लेलाद्री गांव, जिला पुणे। भगवान गणेश के इस रूप को उनकी मां गिरजा यानी पार्वती के नाम से जाना जाता है। पुराणों के मुताबिक यहीं पर देवी पार्वती ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी और गणेश को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया। यहीं पर लेलाद्री में 15 वर्षों तक बाल लीलाएं करने वाले गिरिजात्मक गणेश जी ने अनेक दैत्यों का संहार किया था। मान्यता है कि प्राचीन काल में इस स्थान का नाम जिर्णापुर था, जिसे लेखन पर्वत भी कहा जाता था। गिरिजा माता पार्वती का ही एक अन्य नाम है, जबकि आत्मज का अर्थ है पुत्र। गिरिजात्मज का मतलब माता पार्वती के पुत्र से है। अष्ट विनायक का यह एकमात्र मंदिर है जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थान पर अनेकों गुफाएं भी हैं। जी, गिरिजात्मज का सबसे जो महत्वपूर्ण दर्शन करने के बाद फल मिलता है वो फल क्या है? जी पंडित जी, दर्शन करने जाते हैं गिरिजात्मज का तो सबसे जो महत्वपूर्ण फल मिलता है वह फल क्या है? गिरिजात्मज, जैसा कि नाम कहा गया है, आत्मज पुत्र, यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति, इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। नॉर्मल हमारे जीवन में, जो साधारण हमारा जीवन है, उसमें परेशानी कैरियर या फाइनेंस से रिलेटेड होती है, या फिर विवाह या संबंधों से संबंधित होती है, या फिर पुत्र या संतान से संबंधित, ये मुख्य परेशानियों में बताया गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो संतान की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते हैं, जैसा कि यहाँ पर नाम से ही साबित होता है या कहा जाता है। अगर किसी को संतान की समस्या हो, संतान से समस्या हो, तो निश्चित रूप से इनके दर्शन से, इन गणपति के दर्शन से जरूर लाभ होता है, इसलिए अवश्य इनका दर्शन करना चाहिए। बिल्कुल, संतान की समस्या हो, संतान से समस्या हो, तो यहाँ पर आप जाकर दर्शन करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। अब हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान गणेश के उस रूप का जिसके दर्शन से ही समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विघ्नेश्वर की। सातवां दर्शन विघ्नेश्वर, स्थान ओझर, जिला पुणे। भगवान विघ्नेश्वर, इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अष्ट विनायक का यह मंदिर कुकदेश्वर नदी के किनारे ओझर नामक जगह पर बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर गणेश भगवान द्वारा विघ्नासुर नाम के दैत्य का संहार किया गया था, जिस कारण श्री गणेश का एक नाम विघ्नेश्वर विनायक भी हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार विघ्नासुर ने अभय दान की प्रार्थना करते हुए गणेश भगवान से यह वर मांगा कि गणेश जी के नाम के पहले उसका नाम भी लिया जाए, इस कारण गणपति का एक नाम विघ्नेश्वर पड़ा और भगवान श्री गणेश सभी विघ्नों को नष्ट करने वाले माने गए। पंडित जी, विघ्न अगर दूर हो जाए तो जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती, ऐसे में इस तीर्थ के दर्शन का भी काफी महत्व है। जी,
विघ्न यहाँ पर विघ्नेश्वर जी से जो बात निकल के आती है वो शत्रुओं से संबंध दिखाती है। बहुत बार हमारे जीवन में अनायास ही हमारे साथ के लोग या आसपास के लोग शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, तो जहाँ पर हमें ईर्ष्या के कारण या फिर किसी लोभ के कारण कोई शत्रुता आती है तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनसे मुक्ति पाने के लिए, इन विघ्नों से बाहर निकलने के लिए, इन शत्रुओं से जीत कर बाहर निकल जाने के लिए, सफल हो जाने के लिए भगवान विघ्नेश्वर की पूजा करनी चाहिए। और यहां पर भगवान विघ्नेश्वर ने एक बात और कही है कि जिन शत्रुओं से आप विजय प्राप्त करते हैं उनसे फिर एकजुट होना, उनको भी सम्मान देना, उनके साथ मिलना, ये नाम के साथ जोड़ना, ये इस बात का संकेत देता है। इसलिए किसी को भी किसी भी प्रकार की शत्रुता हो किसी के साथ भी तो जरूर इस भगवान विघ्नेश्वर का दर्शन करें, उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल, शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो भगवान विघ्नेश्वर का दर्शन कीजिए। अष्ट विनायक में सबसे दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है महागणपति का। त्रिपुरासुर दैत्य को मारने के लिए गणपति ने यह रूप धारण किया था। अपने दिव्य रूप के कारण ही भगवान गणेश के इस रूप को महागणपति के नाम से जाना जाता है। आठवां दर्शन महागणपति, स्थान रजड़गांव, जिला पुणे। ये अष्ट विनायक का सबसे दिव्य रूप है। भगवान शिव से विजय का वरदान पाने के उपरांत गणेश भगवान ने दैत्य त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम त्रिपुरारी वर्दे महागणपति पड़ा। महागणपति अष्टभुजा द्वादश भुजा वाले माने जाते हैं। इनके इस मूर्ति की 10 सूंड व 20 भुजाएं हैं। भगवान का यह अष्ट रूप उनकी महिमा और उदारता का प्रतीक है। वेदों पुराणों में श्री गणेश की महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। कहते हैं कि अष्ट विनायक के दर्शन से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पंडित जी, महागणपति के दर्शन का महत्व भी आप बताइए। महागणपति जैसा कि नाम से ही है, ये पूर्व दिशा के साथ संबंधित हैं, दिव्यता के साथ और संपूर्ण शक्ति के साथ संबंधित हैं। ये सूर्य के जैसे दिव्य हैं ऐसा मान्यता है। अब इसको ये समझना चाहिए कि इनके दर्शन से हमें दिव्यता प्राप्त होती है जो हमें ख्याति या प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जितने भी लोग अपने आप को ख्याति बनाना चाहते हैं, प्रसिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें जरूर भगवान महागणपति के दर्शन करने ही चाहिए। महागणपति आपको दिव्य बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सभी गणपतियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने गए, तो सारे गणपति एक ही हैं, एक ही स्वरूप है और अलग अलग हैं, लेकिन ये विशेष है क्योंकि ये प्रसिद्धि भी देते हैं और बुद्धि भी देते हैं। कहते हैं यस्य बुद्धि बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, तो ये पॉलिटिकली भी सपोर्ट करते हैं और विख्यात भी करते हैं, तो इनका दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, महागणपति के दर्शन करने के बाद आप विख्यात हो सकते हैं। पंडित अशोक शर्मा जी, आपने तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम गणपतियों के बारे में आपने बताया, इससे हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत कुछ जान पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। टीवी9 पर लगातार खबरों का सफर जारी है।